हरे कृष्णा। पद्म पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, करोति यो नरो भक्त्या जयन्तिं कृष्ण वल्लभाम न वेदे न पुराणे न मया दृष्टं महामुने तत्समं नाधिकं वापि कृष्ण राधाष्टमी व्रतम्। अर्थात जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की प्रिया जन्माष्टमी जयंती का व्रत करता है, उस व्रत के समान राधा और श्री कृष्ण का प्रिय न तो वेदों में न कोई बतलाया गया है और न तो पुराणों में। अब जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री हरि के शुद्ध भक्त है नारद मुनि, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनका एक विशेष कार्य होता है अन्यों के समक्ष भी भगवान श्री हरि के गुणगान करना। तो बस नारद मुनि भी सदैव भगवान श्री हरि के गुणगान करते हुए भिन्न भिन्न लोकों में विचरण करते रहते हैं और भौतिक संसार रूपी दावानल में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने हेतु हरि कथा और कीर्तन करते रहते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि वे पहुंच गए अपने पिताश्री और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, जयंतिश्चैव महात्म्यम कथायस्व पितामह यच्छ्रुत्वा अहम् गमिष्यामि तत्विष्णोः परमं पदम्। हे पितामह, कृपया आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी जयंती के महात्म्य को बताएं, जिसका श्रवण करने मात्र से मैं भगवान श्री विष्णु के धाम में जाऊंगा। प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, शृणुष्व वहितो विप्र तवाग्रे कथयामि अहम् जयंत्या उपवासेन विष्णु लोकम सगच्छति। हे विप्र, आप सावधानी पूर्वक सुनिए, जो श्री कृष्ण जयंती का व्रत करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। हे मुने, स्मरण करने तथा उसका संकीर्तन करने से यह जयंती 7 जन्मों के पापों को भस्म कर देती है, और जो उसका व्रत करता है उसके विषय में तो क्या कहा जाए। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं, गंगा नर्मदा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति जयंती यानी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने वालों को होती है। और जो मूर्ख व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन भोजन करता है ना, उसको उसी तरह नर्कगामी बनना पड़ता है जैसे एकादशी के दिन भोजन करने वालों को होना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण इस विषय में क्या कहता है। तो इस पुराण में स्वयं भगवान नारायण उनके शुद्ध भक्त नारद मुनि से कहते हैं कि शुद्ध जन्माष्टमी में व्रत और जागरण करके मनुष्य 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। शुद्ध जन्माष्टमी में केवल उपवास करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। बिना जागरण के केवल व्रत करने से भी बाल्यावस्था, कुमार, युवा और वृद्धावस्था के 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, और इसमें कोई संशय करने का कारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर जो व्यक्ति अन्न का भोजन करता है वह अधम मनुष्य, मातृगामी होने का दोष भागी और 100 ब्रह्महत्याओं का दोष भागी बनता है, और उसके करोड़ों जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि परम भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव की तिथि जन्माष्टमी हम सबके लिए कितनी विशेष है ना। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार हम इस जन्माष्टमी तिथि का पालन कैसे कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। यदि आपने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि आप इस वर्ष जन्माष्टमी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, तो हम आपको बता दें कि इस वर्ष जन्माष्टमी 19 अगस्त 2022 शुक्रवार को आने वाली है, और जन्माष्टमी के दिन आपको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:19। उठने के बाद सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करें और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात दंत धावन, आचमन, स्नान इत्यादि कार्यों से स्वयं को शुद्ध बनाएं। यदि संभव है तो अपने शरीर पर तिलक धारण करें और फिर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें। प्रत्येक इस्कॉन मंदिरों में ये आरती प्रातः 4:30 होती है,
यदि आपके घर के पास कोई भी इस्कॉन मंदिर है तो जन्माष्टमी के दिन आप वहां अवश्य जाइए, और यदि ये संभव नहीं है तो आप अपने घर पर मंगला आरती कर सकते हैं या फिर उसका ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी कम से कम 4 बार प्रदक्षिणा करें और उन्हें प्रणाम करें। उन्हें एक उच्च आसन पर स्थापित करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। यदि आप 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जाप करते हैं तो आपकी एक माला होती है। और इस प्रकार प्रयास करें कि जन्माष्टमी के दिन ऐसे ही कम से कम 16, 32 या 64 माला जाप करने का संकल्प लें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अन्न प्रसाद का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो संपूर्ण निर्जल उपवास कर सकते हैं। यदि ये संभव नहीं है तो आप जल फल या दूध लेकर भी उपवास कर सकते हैं, लेकिन इस दिन अन्न चावल दाल या वर्जित सब्जियों का सेवन कदापि ना करें। प्रयास करें कि संपूर्ण दिन के दौरान अधिक से अधिक मात्रा में भगवान श्री कृष्ण की कथा का प्रमाण भूत माध्यमों से श्रवण करें। आप श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित श्री कृष्ण पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। अपने मन और चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण और उनकी दिव्य लीलाओं के ऊपर केंद्रित रखने का प्रयास करें, और यही जन्माष्टमी का वास्तविक अर्थ है। रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाता है। यदि आप अपने घर पर जन्माष्टमी मना रहे हैं तो इस प्रकार अभिषेक कर सकते हैं। भगवान का अभिषेक करने के लिए आपको 1 पात्र जल, 1 पात्र दूध, 1 पात्र दही और 1 पात्र मधु की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ आप 1 पात्र पानी में गुड़ या चीनी मिलाकर जल तैयार करें। इसके साथ 1 पात्र में हल्का सा गर्म पानी लें और 1 छोटे बर्तन में हल्दी और अलग बर्तन में घी भी रखें। इन सभी पात्रों में 1-1 तुलसी का पत्ता भी अवश्य रखें। अभिषेक का प्रारंभ करते हुए सबसे पहले शुद्धोदक स्नान अर्थात जल से स्नान करवाएं। उसके पश्चात पंचामृत स्नान अर्थात दूध दही घी मधु और गुड़ मिश्रित जल से स्नान करवाएं। उसके पश्चात फलों के रस से स्नान, तत्पश्चात उष्णोदक स्नान यानी गुनगुने पानी से स्नान करवाएं। उष्णोदक स्नान के बाद चूर्ण स्नान जिसमें हल्दी पाउडर जल में मिश्रित करें अथवा भगवान के विग्रह पर हल्दी का लेप लगाएं। उसके पश्चात फिर से शुद्धोदक स्नान यानी शुद्ध जल से स्नान करवाएं, और अंत में अधिक से अधिक सुगंधित पुष्प से अभिषेक करें। अभिषेक संपूर्ण होने के बाद भगवान को स्वच्छ करके नए वस्त्र पहनाएं, आभूषणों से अलंकृत करें और उनकी आरती करके भोग अर्पण करें। इस दिन आप उनके लिए विशेष मिष्ठान में माखन मिश्री श्रीखंड पेड़ा खीर मालपुआ इत्यादि बना सकते हैं। और भी स्वादिष्ट और सात्विक भोजन बनाकर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि बाहर से लाया हुआ आहार अर्पित ना करें। तो इस प्रकार आप जन्माष्टमी का महामहोत्सव मना सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है और यदि आप वैदिक संस्कृति की प्रमाणभूत शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के हमारे इस अभियान में सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। इससे हमारा तो उत्साह बढ़ेगा ही, लेकिन वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ाने का पुण्य फल आपको भी अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए इस वर्ष जन्माष्टमी पर हम अपनी चेतना को कृष्णमय बनाते हैं और सही अर्थ में उन्हें अपने हृदय में प्रकट होने के लिए आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्णा।